नमस्कार, स्वतंत्र प्रभात में आपका स्वागत है। जैसा कि इस समय कई सारे मुद्दे जो देश पे देश के लोगों को प्रभावित कर रहे हैं, उनमें कई मुद्दे हैं और उन मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ साहू ग्रुप के MD और पूर्व राज्यसभा सदस्य श्री राम नारायण साहू जी हैं। राम नारायण साहू जी, जैसा कि आप जानते हैं, अभी हाल ही में कोरोना की वजह से सरकार ने लॉकडाउन किया था और इस लॉकडाउन में कई वर्ग परेशान हुए, खास करके जो मिडिल क्लास के व्यापारी थे। तो जो ये सरकार ने उसके लिए कुछ स्कीमें भी चलाई हैं, जैसे MSME हो गया, तो आप इसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं कि MSME का फ़ायदा कैसे छोटे बिजनेसमैन को मिल सकता है? देखिए, ये तो हम समझ रहे हैं, पेपर ले रहे हैं, टीवी ले रहे हैं, वो अभी बहुत मदद कर रही है, लेकिन अभी इतनी स्कीम जो है वो निकल रही है कि खुद नहीं पता और कि क्या स्कीम है और उसके क्या फायदे हैं। इतनी स्कीमें चल रही कि आदमी इंटरेस्ट नहीं लेता है, तो समझ देख लेगा, पेपर में थोड़ा देखा भी लेगा, लेकिन इतना जरूर है सरकार कर रही है, सरकार बहुत काम कर रही है और जो उनके विरोधी लोग हैं तो वो तो आरोप लगाते हैं बहुत से लोगों का, जैसे अभी श्रमिकों का था प्लान हुआ दूसरे प्रदेशों से, महाराष्ट्र से, राजस्थान से, हरियाणा से तो हुआ, तो परेशानी जो बीच में आई वो इस वजह से आई कि सब एक साथ खड़े हुए हैं, अगर सिस्टम से आते तो ये नहीं हो सकता था। और गवर्नमेंट भी उसने ये क्या करें क्या ना करें कैसे करें उसको गवर्नमेंट भी कम कर चुके, अब धीरे धीरे अनुशासन के हिसाब से जब आदमी शुरू हुए तो अब तो उसके हल हो गई है। तो ये जो है स्कीमें बहुत से निकली हैं, अब आज ही मैंने पेपर में पढ़ा कि लखनऊ में जो हाउस टैक्स है और महापालिका से हाउस टैक्स और वाटर टैक्स नहीं लगेगा, इस साल नहीं लगेगा, और भी बहुत सी गवर्नमेंट कर रही है। और हम जो खुद इस संपर्क में है कि व्यापारियों का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, अपने जो संपर्क में हैं नेता लोग या और लोग जो हैं तो उसके संपर्क में हैं। सर, जैसे कि अच्छी बात है, स्कीमें सरकार की कई निकल रही हैं, एक हम आम आदमी का सवाल आपसे पूछ रहे हैं, एक आम आदमी MSME के लिए धंधे कैसे अप्लाई करे, कैसे उसका फ़ायदा उठाए? क्योंकि मैं जहाँ तक हमारी टीम ने रिसर्च किया है उसमें 98% लोगों को पता ही नहीं कोई MSME के थ्रू कैसे जाके लोन लें या कैसे अपना बिजनेस इंप्रूव करें। ठीक, इसके लिए कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, DM ऑफिस से सारा जानकारी मिल जाए, कितना आपको जाकर बता दिया जो यहाँ के लखनऊ के जिला अधिकारी है उनसे नफर किया जाए, अभी हमें कुछ नहीं मालूम, बैंक खुलते हैं तो बैंक से ज़्यादा अच्छा DM ऑफिस है, वहाँ सारी जानकारी मिलती है। गवर्नमेंट के पास जो भी चीज़ वो एक्शन में आती है तो पहले ओ यहाँ पर DM को पता चल जाता है और उसकी जिम्मेदारी मिलती है। सर, लॉकडाउन काफ़ी सही टाइम पे लिया गया था और इसकी प्रशंसा भी हुई थी कि मोदी जी लॉकडाउन काफ़ी सही टाइम पे, लेकिन चीज़ें उसके उलट आज लॉकडाउन खुल गया है और कई वर्ग जो है हम TV डिबेट में देखते हैं और जगह कि लॉकडाउन पूरी तरह से फ्लॉप रहा, ऐसा मार्केट में रूमर क्यों उड़ रहा है या ऐसा लोग क्यों सोच रहे हैं? लॉकडाउन मोदी जी ने सही टाइम पे किया और बहुत अच्छा किया, ये जो लोग हैं दूसरी पार्टी के लोग वही लोग बैठे रहे थे डिबेट में TV पर, तो जीतते हैं तो मोदी की बुराई करते वाले सरकार की बुराई करते वाले वो कर रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन जो है सही हुआ और पूरी दुनिया में हुआ और बड़े बड़े देशों में तो यहाँ भारत के बाद हुआ, तो ऐसा नहीं है कि जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भारतीय जनता पार्टी निभा रही है, सर भारत सरकार जो है उसको देख रही है, उसमें तो लोग विरोध शराब में विरोध कर रहे हैं, बाकी गवर्नमेंट बहुत ठीक ठाक चल रही है,
हमारे योगी जी उत्तर प्रदेश के लोग करते हैं, वो कितना भी नष्टा है, कितना पेन ले रहा है, और नई नई और भी योजनाएं निकाल के ला रहे हैं। सर जैसा कि अभी चाइना का मुद्दा काफ़ी तेजी से चल रहा है, इसमें हम कई लोगों ने आरोप लगाया, जैसे अभी हाल ही मोदी जी जो है उनका उनकी एक लाइन आई थी कि चाइना हमारी जमीन में नहीं घुसा है, इसको जो है विपक्षी खास करके कांग्रेस और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने बोला था कि मोदी जी को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, इससे जो है चाइना को मजबूती मिलती है। और थोड़ी सी कंफ्यूजन की स्थिति है कि चाइना हमारे अंदर आया है कि नहीं आया है, इस पे लोग कैसे जाने, हमारे दर्शक कैसे जाने कि वो हमारे अंदर है या बाहर है, ये क्या है, क्योंकि विपक्ष अलग बात कहता है, सरकार अलग बात कहती है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष कोई गलत बात नहीं कहता है। विपक्ष की जो अभी बुला करके मोदी जी ने मीटिंग की थी, कांग्रेस को छोड़ करके सब लोगों ने मोदी जी से सहमत थे, जो उन्होंने कदम उठाए। अभी परसों तो मीटिंग थी, सब मुख्यमंत्री बुलाए गए थे और सब पार्टियों के अध्यक्ष बुलाए गए थे, और उसमें कांग्रेस को छोड़ करके हर आदमी ने मोदी जी की बात को माना कि मोदी जी जो कर रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी का जो भी कर रही है ठीक कर रही। सर, आप एक बहुत अनुभवी, आपका एक बड़ा अनुभव है राजनीति में, आप 2004 में राज्यसभा सदस्य बने थे, और राजनीति को आप आज़ादी के पहले से, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ हो आज़ादी के बहुत पहले की है, और आप हमारी वो 38 की है, 38 की है, तो आपने कई राजनेता कई पड़ाव देखे होंगे राजनीति में, आपने जितने भी पड़ाव देखे हैं, जितने बदलाव राजनीति में देखे हैं, विपक्ष की जो भूमिका देखे हैं, आज की विपक्ष और तब के विपक्ष में आप क्या अंतर देखते हैं? अब देखिए, ये विपक्ष जो आज का है, पहले तो ये विपक्ष ही था, लेकिन आज का जो विपक्ष है उसको तो कुर्सी दिखाई पड़ रही है, और वो जो आज के पेपर में दरी जागरण की बात कर रहा हूँ कि उसमें प्रियंका रहे हैं, वो ये जो है आपका लॉकडाउन को पर बोला, और उन्होंने पूनिया जी ने आपके जो चाइना बॉर्डर की बात बोली है कि कुल प्रबंधन का और ये नहीं था, वो विरोध के नाम पे विरोध कर रहे हैं, और उनकी बात को लोग हल्के ढंग से ले रहे हैं, कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है। आप देख रहे हैं कि कितना दुनिया में क्या हुआ और भारत में क्या हुआ, अमेरिका में 1.25 लाख आदमी मर गया, तो जो कि हमसे काफ़ी डेवलप है, और वहाँ की पॉपुलेशन क्या है और भारत की पॉपुलेशन क्या है। सर, जो मिडिल क्लास है, जो मीडियम बिजनेसमैन है, जो बहुत बड़े नहीं बहुत छोटे नहीं, आप एक बिजनेस की दुनिया में भी आपका एक अच्छा खासा नाम है, आप इस लॉकडाउन से प्रभावित उन मिडिल क्लास के लोगों को, मिडिल क्लास बिजनेसमैनों को क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो किस हिसाब से अपना जो है अपने बिजनेस को इम्प्रूव करें, कैसे उस पर काम करें? अब परसों की बात है कि सारे जो बिजनेस मैन हैं अलग अलग लाइन के, वो योगी जी ने उनकी मीटिंग ली, और मीटिंग ली और उसे सबके सुझाव बने, और सुझाव आने के बाद में अब उसे काम करना है। सब लेवल के इलेक्ट्रॉनिक के अलग, ज्वेलर के अलग, कपड़ा व्यापारी अलग, ऐसे अलग अलग जो है हैं मुख्यजन, तो उससे बातचीत किए और उसको महसूस किया ज़्यादा कि किस बिजनेस से क्या परेशानी है, तो उसको करेंगे। योगी जी तो यही काम कर रहे हैं, आज कल प्रशासन तो दूसरे लोग देख रहे हैं, मोदी जी का काम इसी लॉकडाउन के ऊपर हो रहा है, मोदी जी का और योगी जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ पूर्व राज्यसभा सदस्य राम नारायण जी थे। मैं विपिन शुक्ला, स्वतंत्र प्रभार, लखनऊ।